नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। यह वीडियो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्राइगो और मेट्रेन से मिलकर बना है। ट्राइगो का अर्थ होता है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और मेट्रेन का अर्थ होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापने का विज्ञान, यानी कि त्रिभुजों से संबंधित मापन के विज्ञान को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। राइट ट्रायंगल का अर्थ होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, जो आपके यहाँ पे चित्र पे प्रदर्शित। देखिए जो एंगल बी है फिगर में, दैट इज 90 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इसमें 90 डिग्री के कोण को छोड़कर बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन। देखिए ये आपके पास राइट ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं सभी एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल सी कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस एंगल डी। यहाँ पर हमने बी को जो है सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए क्योंकि बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस सी जो है उसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री। तो आइए अब राइट ट्रायंगल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ये आपके पास राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। इसकी जो सामने वाली साइड होती है, इस बी के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद ये जो एंगल है, इसके बाद की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम एक रेफरेंस एंगल लेते हैं, दैट इज सी। हम ए भी ले सकते थे, हम सी भी ले सकते थे, कोई भी एक्यूट एंगल हम ले सकते हैं। हमने सी लिया, तो सी के लिए ये जो सी के सामने वाला साइड है, यानी कि सी एंगल सी के सामने वाली जो साइड है, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो बी सी है वो C के लिए होगा बेस। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने रेफरेंस एंगल A लिया होता तो A के लिए उसके सामने वाली साइड होती BC और वहां पर बेस होता AB। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC और AB बेस, वहीं C के लिए BC बेस एंड AB परपेंडिकुलर। होप दैट इज क्लियर। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन सी की। देखिए आपका ट्रायंगल EBC है, इसके लिए साइन सी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। ये साइन सी की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू सी अपॉन हाइपोटेनस। बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है वो साइन का एक्सप्रेशन होता है। ठीक इसी तरह कोस का एक्सप्रेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो जो चीजें हमने सी के लिए की अगर वो ए के रिस्पेक्ट में करें तो हमें किस तरह से रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया तो हमें ए बी अपॉन ए सी मिला। अब अगर इसी ए बी अपॉन ए सी को हम ए के परस्पेक्टिव से देखें तो वो क्या है। अगर यहाँ पर ए है तो ए बी ए के लिए बेस है और ए सी जो है वो हाइपोटेनस है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ए के लिए कोस का एक्सप्रेशन है जो सी के लिए साइन का एक्सप्रेशन था। ठीक उसी तरह जो कोस के लिए सी का एक्सप्रेशन है वो ए के लिए साइन का एक्सप्रेशन था। तो और इसी तरीके से सी के लिए टेन का एक्सप्रेशन सेम है ए के लिए कोट का एक्सप्रेशन। तो कोट सी है वो टेन सी का रेसिप्रोकल होता है। कोट सी का एक्सप्रेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर एस इक्वल सी। इसी तरह सेक सी का एक्सप्रेशन वन अपॉन कोस सी यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अब खास बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो कोट सी के लिए जो एक्सप्रेशन है वही टेन ए का एक्सप्रेशन, सेक सी के लिए जो एक्सप्रेशन है वही कोसेक ए का एक्सप्रेशन है, और कोसेक सी के लिए जो एक्सप्रेशन है वही सेक ए का एक्सप्रेशन है। इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए के लिए बात करें तो ए जो है वो सी का कॉम्प्लीमेंट है, जैसा कि हमने पहले भी प्रूव किया था। और हमें मिल रहा है साइन ए इज इक्वल टू कोस, इसका मतलब कोस सी की वैल्यू हो गई कोस 90 डिग्री माइनस ए, दैट मींस कि कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस। तो इसे जो ये इसकी जस्ट रेसिप्रोकल करने किया जो दूसरे वे में हमने किया था, दूसरी कंडीशन जो हमने अप्लाई की थी उससे। अब इसी तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि tan a is equal to cot 90 degree minus a, cot a is equal to tan 90 degree minus a, sec a is equal to cosec 90 degree minus a, and cosec a is equal to sec 90 degree minus a। ये सब रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशनशिप कहलाते हैं। ये जो इक्वल पेयर्स हैं इनको हम, जैसे साइन जो है वो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, tan जो है वो cot का होता है, sec जो है वो cosec का होता है। अब ये जो है आपके सामने एक टेबल है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, और साइन 90 डिग्री की 1। एक बार इस टेबल को यहीं कर दी ताकि आपको टेबल करना याद करना आसान।
यहाँ पर 90 डिग्री वन, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू जो है वो वन। अब इधर से शुरू कीजिए, हमने जस्ट यहाँ पर इसका अपोजिट कर दिया। देखिए वन के बाद रूट थ्री बाई टू, फिर वन बाई रूट टू, फिर वन बाई टू, यानी कि हम इसको उल्टा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अभी टेंथ के लिए क्या किया जाता है, साइन का कोस में डिविजन किया जाता है। जीरो अपॉइंट वन, वन अपॉइंट टू अपॉइंट रूट थ्री बाई टू, यानी कि टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और वन अपॉइंट रूट थ्री बचेगा। ठीक उसी तरह वन अपॉइंट रूट टू डिवाइड बाई वन अपॉइंट रूट टू, दैट इज वन, और ठीक उसी तरह रूट थ्री बाई वन, सो दैट इज रूट वन अपॉइंट जीरो अनडिफाइंड होता है जो यहाँ पे दिया। ठीक इसी तरह अब हम इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख देंगे, अनडिफाइंड रूट थ्री, रूट थ्री देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वन एंड वन अपॉइंट रूट थ्री जीरो, तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर हम cos का रेसिप्रोकल करें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, रूट थ्री बाई टू का 2 बाई रूट थ्री हो जाएगा एंड रूट 1 बाई रूट टू का रूट टू हो जाएगा, 1 बाई टू का 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल जो होता है वो अनडिफाइंड। इसी तरह cosec थीटा में हम sec थीटा का रिवर्स ऑर्डर है, अनडिफाइंड 2 रूट टू 2 बाई रूट थ्री एंड दिस वे इट गोज ऑन। अब जहां तक 180 डिग्री और 270 डिग्री वाली वैल्यू है, ये जब हम एलाइड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो tan थीटा और cos थीटा है वो तो साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब खास बात ये है कि साइन थीटा के लिए 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है और माइनस 270 डिग्री की वैल्यू माइनस वन, वही कोस के लिए 180 डिग्री की वैल्यू माइनस वन होती है और 270 डिग्री के लिए जीरो। आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी और अब इसे याद करना भी आसान है। ये बहुत ही फेमस थ्योरम है राइट ट्रायंगल के लिए जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए फॉर द गिवन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस टू द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस टू द स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी। ध्यान से देखिए ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन कहलाता है। हम यहाँ पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, वन इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी टू द स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी टू द स्क्वायर। नाउ ए बी अपॉन ए सी ये तो साइन सी हो गया और BC upon AC ये तो cos C हो गया, so इसका मतलब हम इसको इस वे में लिख सकते हैं sin square C is equal to 1 minus cos square C, या फिर sin square C plus cos square C is equal to 1। ठीक इसी तरह अगर हम AB square का division करेंगे पूरी equation के अंदर तब हमारा जो expression आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, sec square C is equal to 1 plus tan square C, और जब हम BC square का division करेंगे तब हमारा expression कुछ इस तरीके से आएगा। तो hope आपको ये square formula समझ में आ गए होंगे, क्योंकि square formula जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कंटिन्यूअसली इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज पुट दैट इन कमेंट सेक्शन एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू।